अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम क्रेजी शॉर्ट्स में हम आपको वेलकम करते हैं। आज के शो में जो हमारे मेहमान हैं वो दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लामा जमीर अख्तर उर्फ लड्डन जाफरी और हारमोनियम नवाज। सियासी रंग मत दीजिए, सिर्फ हारमोनियम वाले साहब बैठे हैं, वो कहिए। जी वही। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है कोरोना वायरस। तो सबसे पहले तो आपको भी सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी सलाम। लाइट बहुत कम है ये मेट्रो वालों की, सब शिकायत करते हैं, कहते हैं अंधेरी वीडियो आती है। बिल्कुल, बहुत सारी लाइट डालो, यही तो इसीलिए तो बाबू शाह पिछले साल भाग गए थे। अलावा साहब, इस बार हमने लाइट अच्छी रखी है तो इस बार शिकायत नहीं आपको, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं आएगी किसी की। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम सवाल करते हैं अपने हारमोनियम नवाज, हारमोनियम वाले अंकल से, हारमोनियम वाले भाई साहब से, कि कोरोना वायरस एक साजिश है या एक वायरस, क्या है ये? रूस के सदर, रशिया के सदर हैं। क्या बात कर रहे हैं साले, माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। इनको छोड़े हम अलामा साहब की तरफ जाते हैं। अलामा साहब, आपसे हमारा सवाल है कोरोना वायरस के हवाले से है, और वो ये है कि पाकिस्तानी कौम ने किस किस्म का मुजाहरा किया इस लॉकडाउन में। ये जिसको मजाक बनाते हैं, हर चीज को मजाक बना रहे, सड़कों पे मुर्गे बनाए जा रहे हैं, मना किया गया बाहर नहीं निकलो, और ये नहीं मान रहे। सब जाहिल क्या अबू जहल के नस्ल से, यकीन करें आप। जी, तो ब्रेक के बाद फिर से आपको वेलकम करते हैं और फिर से अलामा साहब की तरफ जाते हैं। अलामा साहब, हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान आपकी क्या मसरूफियत थी, क्या आपका मशगला रहा है खुद को मसरूफ रखने का? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नहीं, अलामा साहब देखिए, हमारे जो आपके जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं, प्लीज। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। हारमोनियम भाई साहब, आपका क्या मशगला रहा है कोरोना वायरस में, आपकी क्या मसरूफियत रही? धुन बना रहे हैं। किस चीज़ की धुन बना रहे? एक धुन बना रहे हैं, लेकिन धुन बन नहीं रही है। अच्छा, आप धुन बनाएं, हम आपसे बाद में धुन सुनेंगे। तब तक हम जाते हैं अलामा साहब की तरफ और उनसे हमारा सवाल है। ये क्या हो गया अलामा साहब? ये देखिए, बरातें आ रही, शादियों का जमाना है, दूल्हा ने रुख्सत हो गई, बरातें आ रही, पटाखे छूट रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है, दूल्हा वाले धमाके लेके आते। अच्छा। अलामा साहब, ये गुफ्तगू बाद में कर लेंगे। हमारा आपसे सवाल ये है कि बचपन से लेकर अब तक आपका शौक क्या रहा है, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। मुझे पतंग उड़ाने की आदत। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया आपने। दो महीने से गोश्त नहीं खाया मैंने। गोश्त नहीं खाया दो महीने से। चले, हम अपनी प्रोडक्शन से बोलते हैं प्लीज इनको एक किलो गोश्त प्रोग्राम के बाद इनको कहीं से मुहैया करके दीजिएगा। हालांकि हमने भी नहीं खाया, लेकिन आप इनको दे दें, आपको गोश्त मिल जाएगा। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी नज़र में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने कोरोना वायरस और लॉकडाउन में सबसे अच्छे इकदाम किए? अबे, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। नज़र, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, इनकी ये नोक झोंक तो चलती रहेगी, तो वापस आते हैं एक दूसरी ब्रेक के बाद। जी, तो ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। अब हमारा अलामा साहब से सवाल ये है कि अलामा साहब, लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, यूनिवर्सिटी खुल गई, कॉलेजेस खुल गए, लेकिन लोग अब भी ये कह रहे हैं कि कोरोना फिर ऊपर जाएगा, तो क्या आप समझते हैं कि कोरोना दोबारा वापस आएगा? ये तो होगा, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। क्या बदतमीजी इस वक्त चल रही है? रहने दो, बहुत बुरे लग रहे, इनकी बदतमीजी बहुत, थारा मूड खराब कर दिया, हर चीज का मजाक बना रही है, खौफनाक डकैत आ गया तू जवान हो के। अबे साले, जब माफ कर, प्लीज लड़े नहीं आप लोग प्लीज। हम अलामा साहब आपसे फिर एक गुजारिश है कि ये क्या माइक ही खराब कर दिया तुमने, तकरीरी शुरू हुई तो माइक ही खराब कर दिया, खत्म ही हो गया। ये
ये क्या हो गया माइक को? क्या किया ये? बेस तो हमने अपने उस हिसाब से बनाई कि अब तो खराब हो गया ना मामला सारा। माइक ठीक करो यार, प्लीज माइक ठीक करो। क्या जी? तो अलामा साहब का माइक ठीक हो गया। अलामा साहब, हमारा आपसे सवाल ये है कि कोरोना वायरस माना जाता है कि ये एक यहूदी साजिश है, क्या आप इस पर बिलीव करते हैं? आए, आए, माना जाता है कि ये एक यहूदी साजिश है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। श्यामपति नहीं। मैं क्या करूं? मैं तुम सिर्फ अदाकारी करो, अब मैं गाना गाते हुए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। राहत मिले थी दर्द में, माँ प्यारा सदके अल्लाह माफ करे। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया मैं अकेला। ये इनकी नोकझोंक चलती रहेगी, इनकी लड़ाई चलती रहेगी, तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर वगैरह जो भी आप कर दें। अल्लाह मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। एक दो यूं करो, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना।